नमस्कार, मैं तनु जांगिर और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में 1.70 लाख केस, 16 राज्यों में हालात चिंताजनक। देश में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक दिन में 1,69,899 नए संक्रमित मिले हैं, जो कोरोना महामारी के बाद से अब तक एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं एक दिन में 904 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना से देश के 16 राज्यों में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं। इनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इस बार वे जिले ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो पिछली बार बचे हुए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़े हालात, 28 में से 18 जिलों में लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने 28 में से 18 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है। इनमें से 6 जिलों में लॉकडाउन लागू हो गया है, जबकि जांजगीर, चांपा, सूरजपुर, सरगुजा और गरियाबंद में कल से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। बिलासपुर, बलरामपुर, रायगढ़ व महासमुंद में बुधवार से लॉकडाउन लगेगा। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिलों को 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों को कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की 72 घंटे के अंदर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। महाराष्ट्र से लगी सीमा सील कर वहां से आने वाले हर व्यक्ति की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन के आसार, शिवसेना ने सामना में दिया संकेत। महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के सारे उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। कड़ी पाबंदियों के बाद भी कोरोना मामलों में कमी नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब राज्य में सख्त लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। शिवसेना के मुखपत्र में छपे संपादकीय से संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सामना में लिखा है कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य में लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन और कड़ी पाबंदियां लगानी ही पड़ेंगी। दूसरी ओर विपक्ष की राय सरकार से विपरीत है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए, अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो लोगों में आक्रोश भड़क उठेगा। टीवी धारावाहिक अनुपमा पर ग्रहण, दो और एक्ट्रेस हुई कोरोना संक्रमित। टीवी सीरियल अनुपमा की स्टारकास्ट एक के बाद एक कोरोना की चपेट में आती जा रही हैं। एक्ट्रेस तस्नीम शेख के बाद अब अल्पना पुज और निधि शाह भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने बताया कि अल्पना पुज और निधि शाह अभी घर पर क्वारंटाइन में हैं। अल्पना और निधि सहित सेट पर अब तक 8 एक्टर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अल्पना और निधि शाह से पहले शो की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और सुधांशु कोरोना संक्रमित हुए थे, तब से ये सभी आइसोलेशन में हैं। प्रोडक्शन टीम के भी कुछ सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने की चर्चाएं हैं, लेकिन शो का कार्य जारी है। ज्यादातर लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। लॉकडाउन की आशंका से शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स लुढ़का, निफ्टी भी नीचे आया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने निवेशकों को चिंतित कर दिया है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 813.07 अंकों यानी 1.64% की भारी गिरावट के साथ 48,798.25 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 245.90 अंक यानी 1.66% की गिरावट के साथ 14,589 के स्तर पर खुला। आज 386 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1181 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि 76 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बाजार में बिकवाली बढ़ती नजर आ रही है और बीएसई के बाजार पूंजीकरण में 7,00,000 करोड़ रुपए की भारी कमी आई है। हरिद्वार में शाही स्नान के लिए उमड़ी भीड़, कोविड नियम तार तार। शाही स्नान के लिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में कोविड नियम टूटते नजर आए। हालांकि श्री निरंजनी अखाड़ा जुना, अग्नि और आह्वान अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री निर्मणी, दिगंबर और निर्मोही अणि अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन और श्री निर्मल अखाड़ा आदि के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था और उसी के अनुसार स्नान संपन्न हुआ। कुंभ मेले के आईजी संजय गुजियान के अनुसार लगातार कोविड नियमों के पालन का आग्रह किया गया, लेकिन भारी भीड़ के कारण यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सका। अगर नियमों के पालन के लिए सख्ती की जाती तो भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। पीएम मोदी बोले, दीदी की पारी समाप्त, 4 चरणों के मतदान में भाजपा की सेंचुरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्धमान जिले के दलित साई सेंटर में आज पहली रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो गई है। दीदी पार्टी की कप्तानी भाजपा को सौंपना चाहती थी, लेकिन दीदी का ये खेला जनता ने समझ लिया और सारा खेला धरा का धरा रह गया। दीदी की पूरी टीम को ही बंगाल के लोगों ने मैदान से बाहर जाने को कह दिया। दीदी की कड़वाहट, उनका क्रोध, उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
क्योंकि चार चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि भाजपा की सीटों की सेंचुरी हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।